दिल्ली में आज भी कड़ाके की ठंड के बीच बारिश के आसार बने हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रविवार को सुबह शुरू हुई बारिश का असर पूरे दिन रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सोमवार को बारिश और अधिक होने की संभावना है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार जाहिर किए गए हैं। साथ ही तेज हवाएं भी चलेगी। दिल्ली में 12 सालों में जनवरी के एक दिन के दौरान सबसे ज्यादा बारिश रविवार को हुई, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इसके बाद बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी। 7 जनवरी से मौसम शुष्क हो जाएगा और एक बार फिर से सर्दी बढ़ने लगेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पर सिमट जाएगा और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाएगा। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। प्रीत, देखिए लगातार दिल्ली के अंदर जो सर्दी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत भी बन रही है। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है और साथ ही में विजिबिलिटी भी कोहरे की वजह से काफी कम है। हालांकि आने वाले एक दो दिन के लिए फोरकास्ट और किया गया है, मौसम वहां पर ऐसा ही बना रहेगा क्या? पूरी अपडेट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिल रही है कि अगले दो दिनों तक यानी कि सोमवार और मंगलवार तक बारिश, जिस तरीके से रविवार को पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में पूरे इलाके में बारिश देखने को मिली, कुछ कुछ इलाकों में ओले भी पड़े, तो ऐसा ही मौसम लगभग अगले दो दिनों तक बना रहेगा मौसम विभाग के अनुसार माने तो। हालांकि प्रदूषण का स्तर 384 प्रदूषण का स्तर रहा, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से ऐसा मौसम देखा जा रहा है। और इतनी ज्यादा जो सर्दी है जो कि अपने न्यूनतम स्तर पे थी 1.1 जो टेम्परेचर रहा, न्यूनतम टेम्परेचर रहा, वो पिछले कई सालों में जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में इतना जो मौसम है इतना न्यूनतम स्तर कभी नहीं गया। कड़ाके की सर्दी निकलो दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है, ऊपर से बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हालांकि 7 तारीख के बाद से मौसम शुष्क हो जाएगा, टेम्परेचर जरूर सामान्य से कम रहेगा लेकिन कम से कम बारिश नहीं होगी। जी, कहीं ना कहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। प्रीत, इसके अलावा लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है सरकार के द्वारा कि बहुत अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफी कम है, ऐसे में सड़क हादसे होने के भी अंदेशे यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी बेहद कम रहती है, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखा जा रहा है दिल्ली एनसीआर में तमाम जो हाईवेज है वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट भी किया जा रहा है कि कम से कम स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करें, इसके साथ ही कम से कम ही घरों से बाहर निकले वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा चांसेस है। और ऊपर से बारिश जो है अगले दो दिनों तक बनी रहेगी, तो बारिश की वजह से भी कहीं ना कहीं जो ड्राइविंग है वो प्रभावित होती है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और ये भी कहा गया है कि कम से कम ट्रैवल करें वो ज्यादा बेहतर है। हाँ, सुबह के समय में जैसे 9 बजे से पहले अगर घर से नहीं निकलते हैं तो बेहतर रहेगा। इसके साथ ही अब अगले सिर्फ दो दिनों की बात है जब दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि दो दिन के बाद यानी कि उसके बाद बारिश जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हो रही है वो कम से कम बंद हो जाएगी। प्रीत, इसके अलावा दिल्ली में अगर सर्दी के साथ साथ प्रदूषण के स्तर की बात करें तो वो भी लगातार बढ़ रहा है, 384 आका गया प्रदूषण स्तर, उसके क्या कारण फिलहाल? देखिए, सर्दी के समय में दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा है, अब विजिबिलिटी कम होती है, साथ में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो जमीन की ओर आकर्षित होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि बारिश होने के बावजूद जैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि प्रदूषण का स्तर कम होगा, लेकिन बारिश होने के बावजूद 384 जो प्रदूषण का स्तर है वो मापा गया, तो ये कहीं ना कहीं बेहद खराब हालात है। हालांकि लॉकडाउन में जरूर प्रदूषण का
उत्तर दिल्ली एनसीआर में ये कहा जा रहा था कि काफी साफ हवा हो गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लॉकडाउन अनलॉक की तरफ बढ़ा और उसके बाद फिर से दिल्ली एनसीआर का जो प्रदूषण लेवल है एक बार फिर से कहीं ज्यादा है, बारिश होने के बावजूद जो प्रदूषण है उसमें कोई कमी नहीं आई। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जब मौसम शुष्क होगा, बारिश थमेगी, तब कहीं ना कहीं प्रदूषण में कोई राहत मिल सकती है। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो झालावाड़ की